जनाब कोई इंजीनियर बैंक है, जनाब कोई प्लम्बर बैंक है, जनाब कोई जनाब करंटी मैन बैंक है, जनाब कोई मिस्त्री बैंक है, वो अगर जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे गल कर रहा है, शक्ल नहीं देखी बिजू ने अपनी है, उसे बैंक बंद कमरे गल कर रहे हैं, जब मैदान चाहो तो हम दसीए जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर कह दूंगे लोग जरा अपने हजरे की मस्जिद तो बाहर ना निकल सके, वो उन्होंने बारे गल करे जिन्हें हुजूर की खातिर सारा कुछ कुर्बान किया, जिन्होंने घर दो बार वक्त की रोटी ना मुयसर हो, वो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे गल करे, ये तो मैदान है हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत के मौके पे चले बह के अंदर किताबा जनाब कीड़ा पढ़ के जनाब चार यूट्यूबर नाम से जनाब नहीं गल पढ़ती तीन अपने मेंबर से सही बुहारी में कम से कम चार जगह जो हजरत अबू बकर का खुतबा आया ना रसूलुल्लाह के जनाजे के ऊपर वो बयान करके बताओ, चलो टाइम क्या मत तक है, वर्ड बाई वर्ड बयान करना है, अरबी लिंग्विस्टिक में जो उसका तर्जमा बनता है ना वो अपनी पब्लिक को बताना है, तुम्हारी पब्लिक तुम्हारे ऊपर 295 सिग्नल लगाए तो मुझे पकड़ लेना आके, जाओ क्या मत तक के लिए चैलेंज है, आप बोले बताया क्या वो बयान कर सकता है खुतबा, ना नॉट एट ऑल, मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शिया ही कोई नहीं, उनकी बातें भी बताए, इज्जतें तुम लोगों ने अवेल की है रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और जाके अजमेर शरीफ और बगदाद शरीफ में फेंकी है, चंदे खा रहे हो रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर, और तालीमात अपने बाबों की बताते हो, ले रहे तुम बाबे अपने, यानी ये हजरत अबू बकर की सुन्नत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम के, कोई बात भी करनी है तो कुरान से दलील पेश करनी है, ये कहते हैं वो बुजुर्गों का फरमा देने काफी है भाई, सबसे बड़ा जो बुजुर्ग है जो औलिया का सरदार है, आपके औलिया के सरदार तो मुख्तलिफ रहे हैं मुख्तलिफ जमानों में, कभी बाजीद होता था फिर अब्दुल कादर जिलानी को आपने बना लिया, अब पता नहीं किसको बनाएंगे, तो हमारे तो औलिया के सरदार जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत अली मौला अली अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिम सलाम अजमईन, वो है मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का पैगंबर और है, बाबों का पैगंबर और, किताबों का दीन और है, बाबों का दीन और, अगरचे वो भी इसी पैगंबर इसी खुदा और इसी दीन को मानते हैं लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो किताबों में रही है, बल्कि उन क्वालिटीज के साथ जो उनकी नफ्स की ख्वाहिशात जिसे वो विजदान का मार्फत की बातों का नाम देते हैं, ये लोग यौमे सिद्दीक अकबर में आएंगे, जो लोग बुखारी से हजरत अबू बकर का खुतबा ही नहीं बयान कर सकते, लो जी टाइम क्या मत आके साथ रिज़वी, अगर तू वाकई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा करने वाला अपने आपको समझता है तो बुखारी से जो कम से कम चार जगह हदीस आई है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा वर्ड बाई वर्ड तर्जुमा करके अपनी पब्लिक को बता, हमारे नजदीक तो बिल्कुल ठीक बोला है, वो हमारे कीदे में फिटिंग बैठता है, अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, आगाह हो जाओ जो भी तुमने मोहम्मद की इबादत करता था जान ले कि मोहम्मद मर चुके, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी, और मैंने कहा था कि तुम ये इलाने बरात कर दो इन किताबों से, तो मैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स अगले इलेक्शन जो 2023 में होने वाले हैं हम क्रेन के ऊपर टीएलपी को वोट देंगे, अगर आप लोग ये मान लें कि गुस्ताखाना बातें जो है ना ये किताबों में गलत लिखी हुई हैं, मानते हैं अंदर खाने लेकिन सामने गरारिश ये नहीं करते कि वो कहेंगे यार इसी बुनियाद पे तो हमने जो बनी और वाबियों को रगड़ा लगाया था, हाँ मेरा ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपकी इज्जत में इजाफा होगा, ये लाखों मेरे स्टूडेंट्स आपको खाम खाम मिल जाएंगे यार आप लोग हिम्मत करें, और उसमें मैंने कहा था कि आपकी जो तहरीक है ये खत्म नबूवत तहरीक नहीं है, ये एंटी कादियानी तहरीक है, खत्म नबूवत तहरीक वो होगी जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल उसे भी कंडेम करेगी, और अशरफी रसूलुल्लाह जिसको ऑलरेडी आप गलत समझते हैं, और चिश्ती रसूलुल्लाह हाँ जो आपके अंदर एक मुजद्दिद आया जिसने आपको बताया आके, क्योंकि चंद साल पहले तक तो आप अपने मुनाजरों में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते थे, आज कह रहे हैं किताबें चेंज हो गई हैं, आए होना दाढ़ थले होना, और ये मजहब बार बार तुम्हारा छीनूंगा यहां तक कि तुम लोग तौबा ना कर लो, ये बेचारे इनको कुरानो दीस पेश करते रहे, ये कहां कुरानो दीस के मानने वाले हैं, जिस चिड़िया के अंदर इनकी जान है ना वो मुझे पता है, हाँ वो ये है कि इन लोगों ने इस नाम पे इज्जतें अवेल की कि हम लोग आशिकाने रसूल हैं और हमारे मुखालिफीन गुस्ताख हैं, मैंने आके इनको बताया कि तुम्हें भी अगर इश्क का सर्टिफिकेट चाहिए तो इस प्लेटफॉर्म से, हमने तो तुम्हारे बुजुर्गों को साबित कर दिया है कि वो अपने नामों के कलमे पढ़वा के गए, रसूलुल्लाह की सरातन तौहीन करके गए, हम उन बुजुर्गों को माने या उन बुजुर्गों और इमामों को माने कि जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की है, ये मेरे इमाम ने लिखा ना, तेरा इमाम तो लिख के चला गया कि लिवाई आदम मिल लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, तेरा बाजी तो ये कहता रहा ना, और कुनियत भी थी उसकी अबू यजीद, तुसी है यजीदी पार्टी हो नासबी हो, और साडा इमाम जे इमाम मुस्लिम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैन, इनकी कुनियत अबुल हुसैन है, एक ही साल में दोनों फौत हुए, बाजीद भी 261 हिजरी में फौत हुआ और इमाम मुस्लिम भी, इसकी कुनियत है अबू यजीद, इनकी कुनियत है अबुल हुसैन, कहते भी हमारे बुजुर्गों को नहीं मानते जी, इसलिए कि आप भी दूसरे के बुजुर्गों को नहीं मानते, स्टेटस वही है, पर अब तो बुजुर्गों से बात आगे जा चुकी भाई, ना ना अब तो बात यह है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो उतरेगा चाहे उस जमाने का है चाहे आज के जमाने का है,
इसके ऊपर फैसले होने हैं मेरे भाई। अब ये फैसले नहीं होने हैं कि किसके मानने वाले कितने हैं, किसी के मजार के ऊपर कितना रश है। वो तो गुरु नानक के मजार के ऊपर भी बहुत सारा रश है, तो उसको बुजुर्ग मान लोगे। हाँ, 3.5 करोड़ हिंदू गंगा पे नहाते हैं तो उनको बुजुर्ग मान लोगे। आज ही तो 3.5 करोड़ भी होते हैं। छोड़ दो, कोई इल्मी गल करो। उनको मैंने चैलेंज दिया था कि तुम मुबाले वाली हदीस बयान कर दो पूरी मुस्लिम शरीफ से 6220। क्या मत तक अपने मेंबर से तुम वो हदीस बयान नहीं कर सकते? आज तक नहीं बयान की, कई साल गुजर चुके हैं। क्योंकि जिस मामू का वो दिफा कर रहे हैं ना, उस हदीस में उस मामू का जिक्र है। उसने साद इब्न अबी वकास को मजबूर किया कि हजरत अली पे सब कुछ खत्म करवाए। नहीं जी, वो सब का तर्जमा जो है ना तनकीद होता है, आपको पता नहीं। सरकार हमें पता है, हमारे इमाम ने हमें पहले ही बता दिया था कि इंजीनियर साहब एक गाड़ी पाड़ गए 6220 के होते तो तुम कहना अगली हदीस पढ़ लो 6229 लान अल्लाह अब तुराब अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब पर लानत। तुम्हारे बुजुर्ग तो लानते भेजते थे मौला अली के ऊपर। वो मौजूद है मुस्लिम शरीफ में, सब का तर्जमा हुआ है। गाली छोटा लफ्ज है, लानत के अल्फाज मौजूद।